आदाब नमस्कार, मैं जिशान शेख और लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, मुंबई मानखुर्द स्क्रैप्ड मार्केट में भीषण आग लग गई है। ये आग आज दोपहर 2:44 पर लगी। सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग किस वजह से लगी है इसका अभी तक पता नहीं चला है। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार आग लगने से उठते 10 से 15 फीट के धुएं के गुब्बार को दूर से ही देखा जा सकता है। आग मानखुर्द के कुरला स्क्रैप में स्क्रैप मटेरियल में लगी है। अभी तक आग की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। बता दें कि मानखुर्द क्षेत्र मुंबई का एक उपनगरीय इलाका है। यहाँ स्थित एक कबाड़ गोदाम में ये भीषण आग लगी है। अधिकारियों ने बताया कि घटना अपराह्न करीब 2:45 मानखुर्द के मंडाला इलाके की है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कबाड़ के एक गोदाम में आग लगी है। ये केवल 3 आग है। 11 दमकल गाड़ियों को फिलहाल काम पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग इतना भीषण है कि अभी तक कई दमकल की गाड़ियां लगी हुई है आग को बुझाने में, लेकिन अभी तक आग बुझा नहीं है। देखना यह है कि यह आग कब तक बुझती है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।